पूरा मिट्टी डाल के इसको लेवल कर रहे हैं। देखो सारा कंक्रीट वगैरह डाला गया है यहाँ पर, पड़ी हुई है, इसको भी लेवल करेंगे। यहाँ तो पूरा मिट्टी का पहाड़ ही बना दिया है भैया, देख रहे हो। ओके दोस्तों, हाय हेलो नमस्कार, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और मैं आ चुका हूँ अभी मोहन सराय, आप लोग देख पा रहे होंगे मेरे पीछे ये मोहन सराय वाला जो फ्लाईओवर है वो है। और ये यहाँ से ये मोहन सराय से लेके लहरतरा वाला जो सिक्स लेन प्रोजेक्ट चल रहा है वो है। तो आज मैं आप लोगों को यही दिखाने वाला हूँ, ये वाराणसी का पहला सिक्स लेन हाईवे होने वाला है जो कि फोर लेन से रीमोडिफाई करके सिक्स लेन में कन्वर्ट किया जा रहा है। तो इस वीडियो में आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा, चलिए दिखाते हैं आप लोगों का यहाँ का लेटेस्ट अपडेट और क्या वर्तमान स्थिति है वो सारी चीज़ें। ठीक है, तो शुरू करते हैं बैक कैमरे से, चलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। ओके तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग और दिखाते हैं आप लोगों को कि मोहन सराय से लहरतरा तक का जो सिक्स लेन रोड प्रोजेक्ट है उसकी वर्तमान स्थिति क्या है, उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन देते हैं आप लोगों को, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और अभी मैं आ चुका हूँ, ये कलेक्ट्री फार्म चौराहा है, देख पा रहे हो आप लोग, चांदपुर चौराहा, जहाँ से आप अगर ये जो रोड दिख रहा है आपको चांदपुर टू अपने वाला रोड है, और यहाँ से हम लोग चलेंगे मोहन सराय की तरफ, सारा का सारा नज़ारा। तो ऐसे अभी दोस्तों आप लोगों को दिख रहा होगा ना कि बहुत ज़्यादा यहाँ पे जो कुछ भी यहाँ पे कंस्ट्रक्शन वगैरह था पुराना, वो सारी चीज़ों को तोड़ दिया गया है, पेड़ वगैरह की कटाई हो चुकी है पूरा प्रॉपर तरीके से, आउटलाइनिंग वगैरह प्रॉपर तरीके से हो चुका है। मतलब गवर्नमेंट को जो सिक्स लेन रोड बनाने के लिए जितनी ज़मीन चाहिए होती है या जितनी ज़मीन चाहिए थी यहाँ पे बनाने के लिए, उतनी ज़मीन गवर्नमेंट ने एक्वायर कर लिया है। दोनों तरफ आप लोग देख पा रहे होंगे, ये देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का यहाँ पे ऑफिस है। तो देखिए वहाँ से लेके आपको दिख रहा होगा वहाँ पे जहाँ पे ट्रांसफॉर्मर वगैरह है, जहाँ पे लास्ट बिल्डिंग है, वहाँ से लेके और इस तरफ अगर आप देखेंगे तो जहाँ तक ये आपको दिख रहा होगा अंग्रेजी शराब की दुकान और ये सारी चीज़ें, जो भी बिल्डिंग दिखाने का मेरा मतलब था, अंग्रेजी शराब की दुकान दिखाने का मतलब नहीं था। तो वहाँ तक ज़मीन जो है वो एक्वायर कर चुकी है गवर्नमेंट अपने सड़क परियोजना के लिए। दोस्तों आप लोगों को मैं बता दूं कि वाराणसी का सबसे पहला रीमोडिफिकेशन है रोड का, जो कि सिक्स लेन प्रोजेक्ट को लेके रीमोडिफिकेशन का ये पहला रोड है, पहला हाईवे होने वाला है वाराणसी का। और सिक्स लेन प्रोजेक्ट इस पर बनाया जाना है, कैसे बनाया जाना है अभी आगे आप लोगों को मैं दिखाने वाला हूँ, क्योंकि आगे काम शुरू भी हो चुका है और कितने परसेंटेज तक काम पूरा हो चुका है, रोड किस स्थिति में है, क्या न्यू अपडेट है, और जो रोड बनना है वो आरसीसी बनना है या ब्लैक वाला जो आप लोग देख रहे हैं डामर वाला रोड बनना है, क्या बनना है, सारी चीज़ आप लोगों को दिखाएंगे। देखिए लेफ्ट साइड में अगर देखेंगे ना तो ये देखिए जहाँ बाइक खड़ी है यहाँ पे देखिए ब्रिक फील्ड के पास, ये यहाँ तक पूरा नाला बना के तैयार कर दिया गया है। ठीक है, इतनी दूरी तक का ये सिक्स लेन प्रोजेक्ट जो मेगा प्रोजेक्ट है स्मार्ट सिटी वाराणसी के तहत, पीएम मोदी का और योगी आदित्यनाथ जी का ये ड्रीम प्रोजेक्ट है, वन ऑफ द ड्रीम प्रोजेक्ट है। और इसकी कुल दूरी जो है ना मोहन सराय से लहरतरा तक का, फिलहाल ये जो प्रोजेक्ट है ये पहले स्टार्ट हुआ था मोहन सराय से लहरतरा तक के लिए ही, क्योंकि लहरतरा से आगे कैंट की तरफ जब आप पढ़ेंगे तो सब रेलवे की ज़मीन है और बहुत बहुत नैरो रोड है, तो वहाँ पे सिक्स लेन बनाना बहुत ही मुश्किल काम है। लेकिन अभी सुनने में आ रहा है कि मोहन सराय से कैंट तक का ये सिक्स लेन प्रोजेक्ट तैयार करने का जो प्रोजेक्ट है इसको अनुमति दे दिया गया है। ठीक है, अब क्या होता है आगे क्या नहीं होता है ये तो गवर्नमेंट ही जाने। देखिए दोस्तों अभी यहाँ की वर्तमान स्थिति आप लोग देख पा रहे होंगे कि दोनों तरफ इधर भी और इधर भी ये मिट्टी डाल के ना ये रोड के लेवल में लाने की कोशिश करी जा रही है, क्योंकि इस तरफ जो है ना ये मेन रोड तो यही था फोर लेन का, मेन हाईवे पहले यही था, तो अभी क्या हो रहा है कि सिक्स लेन बनाने के लिए जब इन्होंने ज़मीन एक्वायर करा तो उधर और इधर लेवल नहीं है, मतलब पूरा उधर जो है उधर बहुत ज़्यादा गड्ढे थे, मतलब स्लोप में था, और इधर जो है वो रोड तो था ही पहले, तो इसके लेवल में लाने के लिए सही चीज़ें हो रही है। देख सकते हैं आप लोग इतनी ऊंची ऊंची मिट्टी के पहाड़ जैसे बनाए जा रहे हैं यहाँ पे, और एक ही तरफ नहीं दोस्तों ये दोनों तरफ हो रहा है, क्योंकि देखिए इसको करने का रीज़न क्या है, ऐसा बनाना है इनको, ये लेवल में लाना है। देखिए नाला यहाँ पर बन चुका है,
देखिए दोनों तरफ मिट्टी डाल के जहाँ जहाँ लेवल में नहीं है, रोड के लेवल में नहीं है जमीन, वहाँ पे मिट्टी डाल के उसको लेवल में लाने की कोशिश करी जा रही है। देखिए ये हाल है आपका, ये रोहनिया मार्केट की तरफ हम लोग आ चुके हैं। तो ये जो एरिया है ये रोहनिया का एरिया है और यहाँ का देखिए आप लोग किस स्थिति में है। भैया बस वालों को सुकून तब तक नहीं है जब तक ये बात नहीं कर जाएंगे, तब तक हॉर्न देते रहेंगे। देखिए यहाँ से आप लोगों को एक्चुअल में देखने को मिलेगा कि अभी जो है मोहन सराय से लहर दारा वाला जो रोड प्रोजेक्ट है 6 लेन का, दोस्तों मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये वाराणसी का वन ऑफ द फर्स्ट 6 लेन रीमोडिफिकेशन रोड है। रीमोडिफिकेशन इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये पहले 4 लेन था, इसको अब 6 लेन में रीमोडिफाई किया जा रहा है, तो ये रीमोडिफिकेशन प्रोजेक्ट है 6 लेन का। तो देखिए अभी इसकी वर्तमान स्थिति क्या है, इस तरफ आप लोग देख पा रहे होंगे कि ये 6 लेन बनाने के लिए यहाँ पे जो कंक्रीट वगैरह है, बड़े वाले बोल्डर वाली गिट्टियाँ ये सारी डाली जा चुकी हैं और इसमें आगे का काम शुरू हो गया है। और राइट साइड में आप लोग देख पा रहे होंगे तो राइट साइड में मिट्टी डाल के इसको लेवल में करने का जो काम है वो शुरू हो चुका है। हालांकि यहाँ पे आप लोगों को दोनों तरफ देखने को मिलेगा कोई भी ऐसा पेड़ नहीं है, कोई भी ऐसा बिल्डिंग नहीं है जो कि रोड के प्रोजेक्ट के बीच में आ रहा हो, उसको हटा दिया गया है और उसको तोड़ दिया गया है, पूरी की पूरी ज़मीन एक्वायर कर लिया गया है। अब बस इस पर काम क्या है, अभी मिट्टी डाल के लेवल करा जाएगा, फिर गिट्टियाँ डाल के उसको रोड की मैपिंग करी जाएगी, मैपिंग इन द सेंस की मतलब कितना 6 लेन का जो भी डिस्टेंस आएगा वो बनाने के लिए जहाँ जहाँ तक जाना है, रोड कितना दूर तक होना है, वहाँ पर गिट्टी वगैरह डाल के इसको उस तरीके से मेंटेन किया जाएगा। और आइए हम लोग चलते हैं, थोड़ा स्पीड में दिखाते हैं आपको। देखिए यहाँ पे जेसीबी लगी हुई है मिट्टी को लेवल करने के लिए, देख पा रहे हैं आप लोग। और दोस्तों ये रोहनिया में आप लोग देख पा रहे होंगे, देखिए यहाँ पे आप लोगों को टूटी हुई बिल्डिंग दिख रही होगी, तो ये जो मलबा आपको दिख रहा है ना, ये मलबा इसीलिए क्योंकि ये बिल्डिंग जो थी वो रोड के दायरे में थी और उसको तोड़ दिया गया है। और देखिए आपको वहाँ पे दिख रहा होगा जेसीबी वगैरह लगी हुई हैं मिट्टियों को लेवल में करने के लिए, उसको एडजस्ट किया जा रहा है इसीलिए। तो वीडियो को आप लोग लाइक करोगे ना तो यूट्यूब खुद उसको प्रमोट करेगा, और प्रमोट करेगा तो मोटिवेशन मिलेगा और अच्छी अच्छी वीडियोज़ लाने के लिए। तो अभी आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे रोड की कुछ ये स्थिति है, और एक तरफ से रोड जो है इस तरफ वाला इसको बाधित कर दिया गया है क्योंकि इसके आगे भी काम चल रहा है। और मेन बाधित करने का रीज़न ये है कि यहाँ पे ना एक बीचों बीच रोड के क्रॉसिंग नाला बनाया जा रहा है। क्रॉसिंग नाला का मतलब ये है कि नीचे से पाइपलाइन और सीवेज वगैरह का पाइपलाइन वगैरह जाएगा और रोड के बीचों बीच मतलब पूरा इस तरफ से लेकर उस तरफ तक क्रॉस करता हुआ जाएगा। तो एक तरफ का अभी बनाया जा रहा है, एक तरफ का बाद में बनाया जाएगा। और नाला का काम आप लोग देख पा रहे होंगे कि 90% कंप्लीट हो चुका है, नाला बन चुका है। और ये जो नाला है इसके ऊपर से फुटपाथ बनना है, जैसे कि अभी आप लोगों ने देखा होगा फुलवरिया वाले रोड के साइड में जो कैंटोनमेंट एरिया के साइड साइड में जो नाला बना था उसके ऊपर फुटपाथ बना दिया गया है, उसको एक अलग तरीके से पेंट कर दिया गया है और कुछ इस तरीके से यहाँ भी बनेगा। और आगे स्थिति आप लोग देख पा रहे होंगे, चलते हैं आगे क्योंकि इधर से रोड बन जाए तो हम लोगों को रॉन्ग साइड से जाना पड़ेगा। तो मैं आप लोगों को बता रहा था क्रॉसिंग नाला करके बनेगा यहाँ पे, देखिए वहाँ से लेके यहाँ तक बन चुका है, अब दूसरी साइड भी बनना है, ये देखिए इस तरफ से लेके इस तरफ तक बन चुका है एक साइड वाले रोड पे। इधर का कंप्लीट हो जाएगा तो इधर का खोल के फिर उस तरफ बनाया जाएगा ताकि रोड के एक साइड से लेके दूसरे साइड तक जो पाइपलाइन वायर लाइन ये सारी चीज़ें जानी है उसके लिए कोई रोड में फिर से खुदाई करने की ज़रूरत ना पड़े और आराम से नीचे से होके वो चला जाए, और जरूरत पड़ने पर सीवेज वगैरह का भी काम वहाँ से कर सकते हैं। ये इस तरीके से ना रोड पर मलबा डाल के इस रोड को रोक दिया गया है और इधर का नाला का काम जो है वो कम्प्लीट हो चुका है। दोस्तों ढलैया हो रही है, ये देखिए जो RCC वाली मशीन होती है ना जो छत वगैरह पे ढलैया करने के लिए मसाला बनाया जाता है होता है, वही मशीन से यहाँ पे उसका मसाला बना के यहाँ पे नाला का ढलैया हो रहा है।
देखिए रोड बनने के बाद ना मतलब एकदम क्या मस्त सा व्यू आएगा, क्या मजा आएगा चलने में, क्योंकि अभी देखो आउटलाइन देख के ना ये समझ में आ रहा है कि भाई साहब रोड बहुत ज्यादा चौड़ा होने वाला है, बहुत ज्यादा चौड़ा होने वाला है। मतलब यहाँ से लेके वहाँ तक अगर आप नजर डालो ना, मतलब इस दुकान का जो दीवार है यहाँ से उस दुकान की दीवार जो है ना, देखो कितना ज्यादा चौड़ाई है यहाँ पे, देख पा रहे हो आप लोग, मतलब क्या अलग ही लुक आएगा यहाँ का, क्या अलग ही मस्त रोड बनने वाला है ये भाई साहब, एकदम मजा आ जाएगा फिर तो। और देखो यहाँ भी वो क्रॉसिंग नाला बनाने का काम चालू है, देख पा रहे होंगे जगतपुर में इस तरीके से भी कंस्ट्रक्शन का काम हो चुका है, देख रहे हो कितने बड़े बड़े भाई पाइप है यहाँ पे, देखो ये मोदी पीएम मोदी का और पीएम योगी आदित्यनाथ जी का ये ड्रीम प्रोजेक्ट है दोस्तों, ये स्मार्ट सिटी वाराणसी में एक अहम भूमिका निभाने वाला है, ये रोड, ये जो नेशनल हाईवे बनने वाला है 6 लेन का, ये बहुत ही अहम भूमिका निभाने वाला है अपने वाराणसी को स्मार्ट सिटी वाराणसी बनाने के लिए, क्योंकि ये रोड बन जाएगा ना, क्रिकेट स्टेडियम बन जाएगा ना, तो फिर समझो मतलब अगर कोई सेमीफाइनल या फाइनल मैच होने वाला है दोस्तों तो क्या ही मज़े आ जाएंगे। बस घर के पास में हो, 10 किलोमीटर निकलो आगे स्टेडियम। देखो यहाँ पे ना जो पुरानी रोड होती है उसको निकालने का काम चल रहा है, ये जो मशीन है दोस्तों ये क्या करता है, ये रोड पे चलता है और जो पुरानी जो रोड है जो अभी आप देख रहे हो इधर, इसके कॉन्क्रीट को वो निकालता है, काट के निकालता है और उसको डायरेक्ट फिर ट्रक में या ट्रैक्टर में लोड कर देता है। देखिए आप लोग ये पाइपलाइन की तरह दिख रहा होगा आप लोगों के लिए, आप लोगों के सामने ये एक्चुअली बेल्ट वाला है, तो काटने के बाद वो बेल्ट पे आता है पूरा मलबा और बेल्ट से फिर वो डायरेक्टली ट्रक या ट्रैक्टर में लोड कर दिया जाता है और उसको ज़रूरत वाली जगह पे फिर से गिरा दिया जाता है। तो देखिए कुछ ये स्थिति है इस रोड की और हम लोग आ चुके हैं मोहनसराय, आप लोगों को दिख रहा होगा मोहनसराय वाला हाईवे जो है जो क्रॉस कर रहा है वो, ये जस्ट आके ही दिख रहा है हम लोगों को और बहुत ज़ोरों शोरों से इसका काम चल रहा है। और देखिए दूसरी तरफ जो है ना ये जो मशीन है, ये मशीन है रोड बिछाने वाली, जो RCC रोड बनती है आप लोग देख पा रहे होंगे, देखिए ये वो मशीन है दोस्तों जो अभी आपको हमने दिखाया था, ये अकेलवा और चांदपुर वाले रोड पे बन रहा था, तो ये RCC वाला रोड बनेगा और RCC बिछाने के लिए इस मशीन की इम्पोर्टेंस लगती है। इसमें क्या होता है, आप मसाला बनाते हैं, मसाला मतलब सीमेंट गारा और जो कुछ भी होता है कंक्रीट वगैरह, उसको मिला के इस मशीन में डाल दिया जाता है और फिर ये मशीन आराम से रोड को बिछाते हुए, देखिए कितनी चौड़ी है पूरी रोड की साइज का है, तो ये आराम से उसको बिछाते हुए और आगे बढ़ जाती है। इस तरीके से ये RCC रोड बनना है। तो दोस्तों ये RCC रोड पूरा मोहनसराय से लेके लहरतारा तक का 13 किलोमीटर का प्रोजेक्ट है और इस प्रोजेक्ट का जो महत्व है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ख़ासकर अगर आप क्रिकेट स्टेडियम को देखते हैं, क्योंकि क्रिकेट स्टेडियम आपको जाने के लिए इसी रास्ते से आना पड़ेगा अगर आप बनारस से आ रहे हैं या बाबतपुर से आ रहे हैं, तो अगर आप बनारस से या बाबतपुर से आ रहे हैं तो आपको इसी रोड से आना पड़ेगा क्रिकेट स्टेडियम जाने के लिए, ये मेन रास्ता होगा, एक तो ये मेन रास्ता होगा और दूसरा वो जो रिंग रोड हरहुआ से होते हुए सीधा बाबतपुर से आप आते हो, हरहुआ के ऊपर से होते हुए आप निकल जाते हो, वो मेन एक दूसरा रोड वो भी होने वाला है, मतलब मेन रोड का ही आप कह सकते हो, क्योंकि रिंग रोड से होते हुए आप वहाँ पर उतर जाओगे राजा तालाब और वहाँ से क्रिकेट स्टेडियम की तरफ जा सकते हो। तो कुछ ये स्थिति थी यहाँ की,